हे फ्रीलांसर्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है किस तरीके से हम लोग एक कैरिकेचर को क्रिएट करते हैं। बिकॉज इनविटेशन बनाना तो आपको आ ही गया होगा। जिन लोगों को इनविटेशन बनाना नहीं आया अभी भी, वो चाहो तो मेरी पिछली वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने स्टार्ट टू एंड बता रखा है कि आप किस तरीके से कैरिकेचर वाले इनविटेशन को बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप के अंदर जो हम टूल्स यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम कैरिकेचर बॉडीज़ को लेकर और फेस को लेकर अटैच करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सीधा फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्लाइंट के ऑलरेडी 4 फंक्शंस के कैरिकेचर रेडी करे हुए हैं। यहाँ पर मैंने फेस के कैरिकेचर भी रेडी करे हुए हैं। और फेस के कैरिकेचर कहाँ से रेडी करना है ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम वेडिंग वाले को बनाने वाले हैं। तो वेडिंग को हम फोटोशॉप में ले आते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे सीधा। ओके, तो फोटोशॉप के अंदर हमने ये डाल दिया है। अब इसके बाद हम क्लाइंट का फेस डालेंगे। पहले हम ग्रूम का फेस बनाने वाले हैं एंड इसके बाद फिर हम लोग ब्राइड का फेस भी बनाने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ब्राइड को किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसको क्लीन एंड फिनिशिंग देते हैं। तो इसमें आपका ये भी कवर हो जाएगा आज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फोटोशॉप 2023 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको नीचे रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हो, लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अलग से टूल्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट वी दबाओगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने फेस पे एक स्क्वायर बनाया और ये अपने आप सेलेक्शन कर लेगा सब्जेक्ट को। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने सेलेक्शन कर लिया है, बट सेलेक्शन इतने अच्छे तरीके से नहीं करा है। तो मैं इसे अंडू कर दे रहा हूँ और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ और देखते हैं कि रिमूव बैकग्राउंड क्लिक करने पे कितना अच्छे तरीके से रिमूव हो पाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि रिमूव बैकग्राउंड जो कि AI एक है, उसने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करा है। तो हम लोग अब इसको ही यूज़ करने वाले हैं। तो अब कंट्रोल T दबाने के बाद आपको इसको ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो मैं अब इसे ब्राइड ग्रूम के फेस पे ले लेता हूँ और अब देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट के फेस को कैरिकेचर के फेस के जितना स्केल कर लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं अपने इस वाले बैकग्राउंड में जो कैरिकेचर है मैं उसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ, उसे मैं 50 पे ले लेता हूँ। सॉरी, मैं अपने मेन कैरिकेचर वाले फेस को अभी 50 पे ले लेता हूँ। ओके, सो अभी हमें बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं वो भी दिखने लग गई हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब इसे हम रिमूव कर देंगे, थोड़ा सा इरेज कर देंगे, जिससे कि हम लोग बैकग्राउंड के कैरिकेचर को और इसको अटैच कर सकें। ओके, तो ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और ठीक है इतना। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इरेजर लेंगे। ये इरेजर टूल है, आप इरेजर टूल को अपने इसके ऊपर ड्रैग करना शुरू कर दें ताकि ये रिमूव हो जाए एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है। तो जितना भी हेयर था मैंने वो हेयर रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ पर सहरा है, तो सहरे के अंदर हम लोग फेस को डालने वाले हैं तो वहाँ पर हेयर नहीं दिखने चाहिए। तो मैं हेयर को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। ओके, और ये नीचे का जितना भी पार्ट था मैं ये भी रिमूव कर रहा हूँ अब। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 100% करके कि अभी भी फेस थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, कलर्स भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कलर्स को भी अभी मैच कराने वाले हैं, प्लस अभी फेस जो थोड़ा सा टिल्ड हो रखा है तो हम लोग उसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। Ctrl T दबाएंगे फिर से और इसको हम लोग थोड़ा सा मूव कर देंगे। ओके, और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है अब। ओके, तो अभी भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट था पूरा। ओके, अब ठीक है यहाँ तक। ओके, तो अभी मैं इसे 100% कर देता हूँ ओपेसिटी को। और अभी भी देख सकते हो आपकी यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर मिसिंग है और कलर्स भी मैच नहीं हो रहे हैं बॉडी का फेस के साथ। तो हम ये अब करने वाले हैं, बॉडी का कलर प्लस ये चीज़ कवर करने वाले हैं। तो हम लोगों को इसको हम लोगों को क्लोन बनाना पड़ेगा। ये जो पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है अभी, ये वाला कलर जो दिख रहा है, हम लोग इसका क्लोन बना के इसको फिल करने वाले हैं। तो क्लोन बनाने के लिए आपको ये वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्लोन स्टैम्प टूल। आपको इस पर नॉर्मली क्लिक करना है और Alt दबाकर आपको सेलेक्शन कर लेना है जहाँ से आपको कॉपी करना है।
तो हमने ऑल्ट दबाया और इसने यहाँ का कॉपी कर लिया, और अब हम लोग नॉर्मली यहाँ पर मूव करेंगे तो वो कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और हार्डनेस बढ़ा देता हूँ और इसको स्केल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और क्लोन में फिर से यहाँ का ले लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ये आइस का भी थोड़ा सा आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ओके अब ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सभी जगह पे फिल करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि रह रहा है मैं वहाँ वहाँ फिल करता जाऊँगा। ओके यहाँ पर भी है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर भी फिल कर देता हूँ पूरा। ओके तो अभी आपको लग रहा होगा पिक्सल काफ़ी फट चुकी है इसकी, बट एक्चुअल में पिक्सल नहीं फटी, हमने काफ़ी ज़्यादा जूम कर रखा है इसे, बहुत ज़्यादा जूम है ये, इस वजह से आपको पिक्सल्स अभी फटी हुई लग रही है, लेकिन अगर मैं इसे नॉर्मल करूँ तो ये बिल्कुल ओके और HD में हो जाएगा। तो हमने कलर्स को फिल कर दिया यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया ब्लैक, तो हमने ये भी कवर कर लिया। ओके अभी आप देख सकते हो क्लाइंट का फेस जो है बिल्कुल ठीक लग रहा है सहरे के साथ। ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर इरेज करना चाहूँगा ताकि शार्पनेस थोड़ी सी आ जाए आउटलाइन में। ओके अब ठीक लग रहा है ये। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लाइंट का जो फेस का कलर है और इसका गर्दन का जो कलर है, हम उन दोनों को मैच करने वाले हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम हुई सैचुरेशन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा, इसको आप क्लिक करो और कलर्स को यहाँ पर टैप कर दो, मतलब मैच कर दो कलर को। ओके तो अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से नीचे वाले कलर को मैच करने वाले हैं। ओके ये ज़्यादा रेड हो गया। ओके ये भी ठीक नहीं है। ओके ये मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो अभी आप जैसा देख रहे हो कि ये जो है साथ में ड्रेस को भी कलर कर रहा है, मतलब हम अगर हम कोई सा भी कलर इसमें फिल कर रहे हैं तो पूरे ड्रेस पे भी कवर साथ में कर रहा है। तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं और हम दोबारा से इस पे एक सर्कल बनाते हैं और हमें सिर्फ फेस पे ही वर्क करना है। ओके तो हम फेस पे वर्क करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्विक सेलेक्शन टूल लेंगे और हम सिर्फ फेस फेस पे मार्क कर लेंगे। ओके तो ये सिर्फ फेस फेस पे मार्क हो चुका है। ठीक है अब हम इसके अंदर कलर चेंज करने वाले हैं। तो कलर्स को चेंज करने के लिए पहले सेलेक्शन करना है आपको, उसके बाद इस टूल पे क्लिक करना है और ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक करना है। अब अगर आप कोई भी वर्क करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ फेस पे होगा। आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको पूरा रेड कर देता हूँ तो सिर्फ फेस रेड होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, फेस को मैच करूँगा इस कलर के साथ। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब ये मैच हो गया है। ओके थोड़ा सा रेड टोन देने की ज़रूरत है बस। ओके जैसा कि आपको लग रहा है कि अब ये फेस मैच हो रहा है, ठीक से मैच हो रहा है, इतना ऑकवर्ड नहीं लग रहा है देखने में अब। तो ये हमने क्रिएट कर लिया ग्रूम का फेस। अब हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ब्राइड का फेस। तो मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे ब्राइड का फेस। ओके ये हम लोगों के ब्राइड का फेस है, एंड फोटोशॉप में मैं ड्रैगन ड्रॉप करता हूँ और इसको स्केल थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं। ठीक है इतना ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, तो ऑल्ट को प्रेस करके मैं अगर कर्सर को बैक करता हूँ तो वो जूम आउट हो जाता है, और अगर आगे की तरफ मैं करता हूँ डाउन करता हूँ तो वो जूम इन हो जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आप फर्स्ट टाइम फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, तो फिर ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग ब्राइड के फेस को क्रिएट करना था। नॉर्मली हमने जिस तरीके से ग्रूम के फेस में वर्क किया था, हम उसी तरीके से ब्राइड के फेस में भी वर्क करेंगे। हम यहाँ पे ब्राइड के फेस को ऑपेसिटी को 50% कम करने वाले हैं। ये हमने 50% कम कर दिया। अब हमें बैकग्राउंड में जो भी है वो हमें दिखने लग गया है। तो पहले हम इसको स्केल करके मैच करते हैं यहाँ पे। ओके ये शायद अब बिल्कुल ये इतना फेस है और ये यहाँ पे है, तो अब ये मैच हो गया है यहाँ पे अच्छे से। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें जो भी हैं हम उसको रिमूव करने वाले हैं, तो सिंपली हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और एक मिनट का वेट करेंगे या फिर 30 सेकंड का वेट करेंगे, और ये 10 सेकंड के अंदर ही हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बाकी का जितना पोर्शन मुझे नहीं चाहिए मैं वो इरेज कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था जिस तरीके से हमने ग्रूम के फेस में हमने
किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे इरेज टूल का यूज़ करेंगे और बाकी का जितना भी अनवांटेड पोर्शन है हम उसको रिमूव कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं ब्लैक हेयर जो ऑलरेडी हमारे पास है तो हमको नहीं चाहिए, तो हम ये बाकी सारा चीज़ें यूज़ करने लायक नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके नहीं, अभी कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, हमें ये जो ब्लैक आउटलाइन है हमको इसके अंदर ही इरेज करना है। हम अगर इसके अंदर जाके इरेज करते हैं, मतलब उस साइड यहाँ पर इरेज करते हैं तो फिर वो फेस बेकार हो जाएगा, तो हमें इस आउटलाइन के बाहर ही इरेज अपना यूज़ करना है सिर्फ। ओके यहाँ तक ठीक है सब कुछ। यहाँ पर भी ठीक है, ये एक ऊपर का डिज़ाइन था जो कि मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं उसे अच्छे से यूज़ कर सकूँ। अब आप देखोगे ये ग्रीन ग्रीन डॉट है और प्लस बीच में स्किन का कलर भी है, तो हम स्केल को और छोटा करेंगे और इसको थोड़ा सा और डिटेल में वर्क करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ब्लैक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक है। ओके तो ये ब्लैक पोर्शन हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। एक मिनट, हम इसको वापस से ले रहे हैं ताकि हम आईज नो ईयर्स को हम लोग हाइड कर सकें, तो ये मैंने ईयर्स को हाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक सब कुछ ठीक है, अभी भी ये ब्लैक पार्ट है। अब हम ऑपोसिटी को एक बार 100% पे करके देखते हैं कैसा लग रहा है, तो इतना बेटर आउटपुट नहीं निकला है अभी, अभी इसमें हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो कंट्रोल टी दबाएंगे और हल्का सा इसे टर्न करेंगे, हल्का सा बिल्कुल। ओके अब इसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक ब्लैक कलर का ये वाला पार्ट है, तो पहले मुझे ये रिमूव करना है क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट पार्ट है। ओके तो ये मैंने रिमूव कर दिया, मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक पार्ट दिख रहा है तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। प्लस मैं इसके ऑपोसिटी को स्केल को इतना ही छोटा ही करना चाहता था वैसे, पर ठीक है इतना भी। ओके यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब मैं फेस को थोड़ा सा ऊपर चाहता हूँ, तो कंट्रोल टी दबाऊँगा, हल्का सा ऊपर कर लूँगा इसे, और मुझे लगता है कि फेस थोड़ा सा छोटा है तो मैं इसके स्केल को उड़ाने के लिए इस वाले कॉर्नर पे पकड़ूँगा और इसे बड़ा करूँगा। ओके अब मैं लेफ़्ट एरो करके इसे ऊपर लाऊँगा और शिफ्ट करके, ठीक है अब ये यहाँ पर ठीक है बिल्कुल। और मुझे यहाँ पर ये ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ओके तो ये मैं आपको लाइव एडिट करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से प्लान कर रखा था। अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं ओपेसिटी को कम करता हूँ तो यहाँ पर कुछ और भी डिज़ाइंस हैं ग्रीन कलर में, तो हमें ये भी चाहिए, तो मैं इसको 2 नंबर पे कर देता हूँ। ओके मैंने इसे 2 नंबर पे कर दिया और अब मैं इस ग्रीन वाले पार्ट को भी लाना चाहता हूँ बाहर, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ बाहर। आपको थोड़ा सा डिटेल में वर्क करना पड़ रहा है यहाँ पर क्योंकि ज्वेलरीज जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं कैरिकेचर्स पे, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया। ओके यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ये थोड़ा सा हम और रिमूव करके शार्प कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ओपेसिटी को अगर 100% करता तो आप देख सकते हो ज्वेलरी भी अच्छे से बाहर आ चुकी है, कान की ज्वेलरी जो थी वो भी बाहर आ चुकी है, तो अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। स्केल को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा और फिनिशिंग देने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसमें क्या फिनिशिंग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा था मुझे। हाँ अब ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ब्राइड का फेस जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है अब पहले के कंपेयर में। अब मुझे यहाँ पर ये करना है कि ब्राइड का जो फेस का कलर है और जो बॉडी का कलर है मुझे उसे थोड़ा सा मैच करना है, तो अब मैं क्या करूँगा वापस से वही वर्क करूँगा, पहले मैं सेलेक्शन करूँगा फेस का। ओके अनवांटेड सेलेक्शन के लिए मुझे ऑल्ट प्रेस करना है और ये अनवांटेड सेलेक्शन को हटा देगा, ये आप देख सकते हो मैंने ये सेलेक्शन हटा दिया। अब जितना पार्ट मुझे इसमें ऐड करना है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये फिर से वापस इसने ज़्यादा सेलेक्शन ले लिया तो मैं इसे फिर से कम कर देता हूँ। अब मुझे इस आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद हुई एंड सैचुरेशन पर क्लिक करना है और मुझे इसे हल्का सा बैक करना है ताकि मैं मैच कर सकूँ कलर को। ओके
तो आप देख सकते हो आपकी ग्रूम का फेस का कलर भी उसके निक के साथ मैच हो रहा है और ब्राइड का फेस भी उसके निक के साथ मैच हो रहा है। तो अब ये कैरिकेचर मेरे हिसाब से रेडी है, ठीक है। अब मैं इसे क्लाइंट को शेयर करने वाला हूँ। क्लाइंट को शेयर करने के बाद वो क्या इसको अप्रूवल देते हैं, क्या चेंजेस देते हैं वो हम लोग। तो अब ये ठीक लग रहा है पहले से, तो अब मैं इसको यूज करने वाला हूँ अपने इन्विटेशन वाले वीडियो के अंदर। और इन्विटेशन का वीडियो हम लोगों को कहाँ पे बनाना है मैंने वो आपको ऑलरेडी बता रखा है अपने पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला था कि हम लोग किस तरीके से फोटोशॉप पे किस किस टूल्स के साथ वर्क करके ये कैरिकेचर को कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं काम करता हूँ, अपने एक और कैरिकेचर को बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम हल्दी का पार्ट भी कवर कर लेते हैं। तो मैं इसे ऊपर अगर ड्रॉप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्राइड का फेस यूज करना है, यहाँ पर ग्रूम के फेस की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और ये काम मेरा चुटकियों में कर देता है कंप्लीट। ये मेरा ब्राइड का फेस आ गया, ओके। कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और देन फिर इसको स्केल को छोटा करूंगा। और मैंने आपको बताया था कि ऑपोसिटी को हमेशा कम कर लो जब आप मैच करो फेस को, ये आपको बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। ऑपोसिटी को मैंने कम कर लिया, कंट्रोल टी दबाया मैंने फिर से और इसको थोड़ा सा और छोटा करा और फेस को मैच करने की कोशिश करता हूँ मैं अब, ओके। तो अब ये फेस जहाँ तक है थोड़ा बहुत रह गया है बस, तो ये मैच हो गया है। बाकी अब हमें जो रिमूव करना है वो हम अपने इरेजर टूल को लेंगे और रिमूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपको रिमूव कर देना है क्योंकि यहाँ पर गजरा लगा हुआ है ऑलरेडी, हल्दी वाला एक फूल भी लगा हुआ है, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में रिमूव करने की ज़रूरत है, ओके। तो ये हमने रिमूव किया, जितना भी अनवांटेड पार्ट है हम सब वो सब कुछ रिमूव करने वाले हैं इसके अंदर। इस वीडियो में हम ये भी देख लेंगे कि हम लोग किस तरीके से, अगर जैसे ये ब्राउन हेयर है और ब्राइट के ब्लैक हेयर थे, तो हमें ब्लैक हेयर में अगर उसे अगर वापस से लाना है तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम वो भी इसके अंदर करने वाले हैं, ओके। तो ये मैंने बाकी सब रिमूव कर दिया है। तो ये ब्राइड का फेस तो आ गया है बट ये अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी फेस के साथ। तो अब मैं क्या करूंगा इसके साथ कि कंट्रोल टी दबाऊंगा और इसको फेस के साथ मैच करने की कोशिश करूंगा। प्लस अब मैं बैकग्राउंड लेयर पे आ गया हूँ और क्लोन्स को बनाऊंगा यहाँ पे मैं हेयर का, ओके। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये फिल कर दिया। अगर आप वैसे दूर से देखोगे तो आपको ये चीजें नहीं पता लगती हैं, बट फिर भी आप इसे हार्डनेस को कम करके चाहो तो हाइड कर सकते हो बहुत इजीली। ये मैंने इसे थोड़ा सा हाइड कर दिया, यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया और यहाँ पे भी, तो अब ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा दूर से, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्राइड का जो फेस है हमें उसको मैच करना है बॉडी के कलर के साथ। तो पहले हम इरेज कर लेते हैं और डिटेल में, सॉरी, यहाँ पर क्लिक करके फिर मैं इसे मैच करूंगा। ओके, तो ब्राइड का फेस तो मैंने लगा दिया बट अभी मैच नहीं हुआ है, तो मैच करना है। तो वापस से हम सिलेक्शन करेंगे फेस का और इस टूल पे आएंगे, हू एंड सैचुरेशन पे आएंगे और कलर्स को यहाँ से पिक करेंगे थोड़ा सा और अब हम फेस पे वर्क करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि फेस पे ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं हो रहा है बट थोड़ा बहुत आ रहा है। तो जहाँ तक है अब फेस थोड़ा सा बॉडी के साथ मैच हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले फेस ऐसा था और अब ऐसा है, तो अब बिल्कुल भी ये पता लगा पाना मुश्किल है कि ये हमने अलग से अटैच करा है। तो ये लग रहा है कि हाँ ब्राइड का ही फेस है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पर इसको कुछ कहते हैं डिम्पल, सो ये डिम्पल्स हैं यहाँ पे और ये हम लोग चाहते नहीं कि इतना ज़्यादा तरीके से शो करे, तो हम इसको रिमूव कर देंगे।
जैसे कि ये पार्ट था अनवांटेड और ये पार्ट भी है, ये थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। ओके, यहाँ तक कम कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा बिल्कुल रह गया, तो हम इसको फिल कर देते हैं हेयर के साथ, ये हमने इसे हेयर से कवर कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखोगे हल्का सा रह गया है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, बट उससे पहले मैं फेस पे क्लिक कर लूँ। ओके, यहाँ पर मैं हेयर के साथ इसको फिल कर देता हूँ। तो फिलहाल आंसर्स देखा आपने मैंने किस तरीके से यहाँ पे हल्दी वाले पार्ट को भी कवर किया है और वेडिंग वाले पार्ट को भी कवर किया है। तो फोटोशॉप में मैंने किन किन टूल्स का यूज़ किया है मैंने आपको वो भी डिटेल में बताया है, कलर्स को किस तरीके से हम मैच करते ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे तो मैंने वो भी आपको बताया है, प्लस मैंने आपको कीज़ भी सारे बताए हैं। तो अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट को भर सकते हो दोबारा से और मैं दोबारा इस वीडियो पे बनाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप चाहो तो इसके ऊपर हम लोग दोबारा से एक वीडियो बना सकते हैं कि, और उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हम लोग कार्टूनिश वाला लुक जो होता है कैरिकेचर का जो पार्ट होता है वो हम लोग कहाँ से डाउनलोड करते हैं, प्लस हम लोग उसे किस वेबसाइट पे जाकर बनाते हैं, मतलब क्लाइंट का जो फेस होता है वो हम लोग किस वेबसाइट पे जाकर कार्टून वाला पार्ट निकाल कर लाते हैं। तो आप लोग चाहो तो मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा और कमेंट करके मुझे बताओ क्या इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बताओ, मैं दोबारा से इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। प्लस मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, क्योंकि 3% लोग सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बाकी सभी लोग सिर्फ देखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।